हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का वेलकम है शहजाद फैमिली व्लॉग में। सो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। आप लोग की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अच्छे हैं। सो गाइस, हमारी मॉर्निंग हुई, अभी जस्ट हुई हमारी मॉर्निंग। उठे, मैं मुंह धो के बैठी, शान भी मुंह धोया, अभी अम्मी फ्रेश हो रहे हैं और यहाँ पे हमारा नाश्ता बन रहा है। यहाँ पे अंडा बन रहा है, मेरा अंडा बन चुका ऑलरेडी हाफ रहा है। यहाँ पे मम्मी का अंडा बन रहा है, यहाँ हमारी चाय बन रही है और मैंने लेकर आई थी चार नरम पाव लेकर आई हूँ खाने के लिए, और बटर चाय भी बन चुकी है। और गाइस, इतनी गर्मी में क्या बताऊँ, गर्म की वजह से सोने नहीं हो रहा रात रात भर, और ऊपर से ये हमारे नमूने इतना परेशान करके रखे ना। अब बड़े हो गए तो उन लोगों को ना अब भागने के लिए चाहिए, बहुत सताते गाइस, दिन में सोते, रात भर खेलने के लिए चाहिए, इतना खेलते पर अच्छा भी लगता है लोग खेलते, लेकिन बहुत परेशान करते हैं ये कि बहुत सता के रखे। सो अभी अम्मी भी फ्रेश हो रहे हैं, सो चले नाश्ता हमारा बन गया। अभी अंडा भी है, ऑलमोस्ट हो चुका है। ये अंडा मुझे बहुत अच्छा लगता है, नॉर्मल जो हम बनाते हैं ना कांदा वगैरह डाल के, वो ना ऐसे दाल चावल खिचड़ी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, बट मुझे ऐसा हाफ फ्राई अंडा बहुत पसंद है। और गाइस, आज मैं सुबह सुबह उठी तो मैंने मेरा वाईटी स्टूडियो ओपन करी, तो आप लोग को पता ही होगा, कुछ लोगों को जिन्होंने नहीं देखे रहोगे, तो गाइस फाइनली हमारे 13K कम्प्लीट हो गया, यानी 13,000। बहुत प्यार गाइस, बहुत प्यार दे रहे आप लोग, सो थैंक यू सो मच। अब्बा तो जा चुके काम पे, मैं से सुबह उठी मैंने देखी मेरी, हाँ 13K हो गया, तो यस बस जल्दी जल्दी 220K ऐसे करके फटफट से पार करवा दो हम लोगों को। और गाइस, अब्बा की जो वो शॉट मैंने पिछले व्लॉग में भी बताई थी, अब्बा का एक शॉट बहुत वायरल हुआ है, तो वो 4 लाख अभी हो गया। अभी आप लोग के शायद व्लॉग देखे तक के ना 4.5 या समथिंग 5 लाख कंप्लीट हो जाएगा माशाल्लाह। वो जो शॉर्ट वायरल हुआ है ना, तो वो मतलब वो शॉर्ट ने हमारी लाइफ थोड़ा चेंज कर दी है, हमारे बहुत अच्छा खासा चैनल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो हुआ है। सो चले नाश्ता करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। गाइस, यहां बैठ के नाश्ता करने के लिए यहां पर अम्मी निकाल रही है चाय। ए माई, क्या है संभाल क्या, नाश्ता करते हैं फिर आप लोग। नाश्ता वगैरह करके हो गया, एंड मैंने ना जेप्टो से कुछ एक सामान मंगाई हूँ, तो मैंने अभी अम्मी को भी नहीं बताई हूँ, तो मैं अभी जाती हूँ पहले सामान लेकर आती हूँ, क्योंकि मैंने एकदम सडनली अभी बैठे बैठे ऑर्डर कर दी, मतलब ऑर्डर करती हूँ जेप्टो पे, क्या 10 मिनट में मिल जाता है, तो मैं जाती हूँ फटाफट से। भैया का कॉल आया कि वो आ चुके हैं, तो चले जाते हैं हमारा पार्सल लेने के लिए, देखते हैं कि क्या पार्सल आया और कैसा है। गाइस, मेरा पार्सल आ चुका है, देखिए मैंने रिसीव कर लिया, अब जा रही हूँ घर, सो आप लोग को घर जाकर मैं दिखाती हूँ। गाइस, मैं घर पर आ चुकी हूँ और मैंने मंगाई हूँ जेप्टो से सनस्क्रीन, बहुत लेट मंगाई हूँ, आई नो गर्मी ख़त्म होने वाली है, मैंने बहुत लेट मंगाई, लेकिन कैसे मेकअप वगैरह में भी आप लोग को पता है लगता है, और गर्मी चले जाए फिर भी थोड़ी बहुत धूप रहती है, तो इस वजह से मैंने मंगाई हूँ .NK का। मैंने इसका रिव्यू पढ़ी थी, मैंने पर्पल पे देखी हूँ, नायका पे देखी हूँ, और काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम पे भी बहुत ये सनस्क्रीन वायरल था, मतलब इसका रिजल्ट अच्छा है, तो मैं भी फर्स्ट टाइम सनस्क्रीन यूज़ करूँगी, तो मैं जब यूज़ करूँगी ना कंटिन्यू, तब आप लोग को मैं बताऊँगी। तो मैं इसको खोलूँ ज़रा, देखूँ दिखने में तो कितना अच्छा दिख रहा था, हाँ यहाँ से ओपन कर दी वहाँ पर पैक है, ये कड़िंगर वाला है, कड़िंगर वाला, अरे निकल रही है भैया। और मैंने एक और एक पार्सल ऑर्डर की, बट वो तो अभी नहीं आएगा, वो जब आएगा मैं तब आप लोग को बताऊंगी। अरे अच्छा, कितना छोटा सा है, फोटो में कितना बड़ा दिख रहा था, मस्त लग रहा है ना, अम्मी क्यूट लग रहा है ना, एकदम पिंकी पिंकी हल्का सा, इसको यूज करती है अभी कॉलेज वॉलेज जाने टाइम पे ना, एकदम लाइट वेट है गाइस, एकदम लाइट, स्मेल मस्त, एकदम लाइट है, तो मैं इसको पहले यूज करूंगी, जैसे मैं फेस वॉश यूज करी थी तब आप लोगों को इसका रिजल्ट बताई थी, तब मैं ऐसे ये भी यूज करूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को इसका रिजल्ट बताऊंगी। मैं पहले ना वो वाला मंगाने वाली थी मामा अर्थ का, लेकिन मैं पहले नई .NK मंगाती हूँ, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा था, कॉमेंट मतलब रिव्यूज वगैरह मैंने सब पढ़ी थी, तो इस वजह से मैंने ये वाला ऑर्डर करी। अच्छा लग रहा है अम्मी, अम्मी को तो पता ही नहीं है, मैंने मंगा ली, मैं बोली ऐसे में स्क्रॉल करी थी, मिली मंगा लेती, तो मैंने मंगा ली, अब इसको यूज करूंगी, एंड यूज करने के बाद बताऊंगी। इतना सा ही 350 के ऊपर का है गाइस, ये छोटा सा ही तू सा तो है, तो बट कैसा लग रहा बताना, मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा। गाइस, मेरा और एक पार्सल आ गया है, और ये वाला पार्सल तो बड़ा महंगा और बड़ा क्यूट है, आने दे निकलने दे पार्सल को,
इसके अम्मा यहाँ बैठी है और ये दूसरी वाली देखो मैडम। ओए मैडम क्या है, सो रही थी अभी उठ गई। ये हमारा क्यूटी सा पार्सल है, क्यूटी सा पार्सल। यहाँ पर बटाना चिली और अभी फ्लावर काट रही हूँ। यहाँ पर हमारी बिल्ली कैट फूड खा रही है, तो इसको हमने आज कैट फूड खिलाया तो ये अच्छे से खा रही है। तो स्वान अभी गया इसके लिए कैट फूड लाने के लिए, तब से हम इसको कैट फूड ही खिलाएंगे। सो गाइज मेरा भाजी वगैरह काट के हो गया और भाजी भी बन चुकी है, तो अभी मैं नहा के फ्रेश हो गई, अभी जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए और सुहान भी आ चुका है नमाज़ पढ़ के और अम्मी भी अभी फ्रेश हो रहे हैं। सो चले सबसे पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर आगे आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नमाज़ पढ़ के हो गया और अभी जा रही हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो अम्मी ने बनाए हैं, बताती हूँ मैं आप लोगों को, बनाया अम्मी ने बटाना फ्लावर आलू की भाजी और इसमें है चावल, रात का चावल है और एक रोटी भी है जो मेरी भाभी ने अभी दी है। और ये रहा अंबाड़ का, अम्मी क्या है, अंबाड़े भाजी की चटनी और ये आलू, ये तो मुझे भाभी ने दिए अभी। और इसमें है पालक की दाल जो अम्मी ने रात में बनाए थे, तो रात की पालक की दाल और चावल रखा हुआ था तो सिर्फ अभी हम लोगों ने भाजी बनाया। और गाइस ये है जो मैंने बताई ना अंबाड़े की भाजी की चटनी, तो अंबाड़े की जो भाजी होती है वो किस किस को पता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरी खाला तो बहुत अच्छा बनाते हैं और मैं बहुत शौक से भी खाती हूँ, तो किस किस को अंबाड़े की भाजी पता और कौन कौन खाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो चले सबसे पहले खाना खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। पानी का भी टाइम हो गया, नीचे मोटर लग चुकी है तो इस वजह से खाना खा के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। गाइस यहाँ पर सुहान ने लेकर आ चुका है हमारे बिल्ली का कैट फूड, जाके ये अभी डोंगर से लेकर आया है, तो मुझे लगा बड़ा पैकेट रहेगा बट ये इतना पैकेट है, तो इसने फिलहाल अभी 5 पैकेट लेकर आया है, तो अभी फिलहाल ये चलाएगी, अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो वापस से मंगाएगा। तो इन्हें डोंगर से लाया ना, तो ये जाके डोंगर से लेकर आया, क्योंकि बिल्ली ना खाना खा मतलब ऐसे ऊपर का जो लोग गोश्त वोश खाते वो खा नहीं रही है, उसकी तबीयत भी थोड़ी सी नरम है। तो ये कैट फूड हम लोगों ने मतलब हमारे बाजू में एक है उनके पास भी बिल्ली है ना, तो हम लोगों ने इतना से उसको कैट फूड खिलाया ना, तो माशाल्लाह उसने कैट फूड खाई, तो उस वजह से अम्मी बोले जाओ उसको कैट फूड ही ला के रख, कैट फूड और दूध पिए खाएगी तो कैसे उसका पेट भरा रहेगा। अम्मी ये दिखाते हैं क्यों उसमें भर रही है, अंकल ने बोले खराब हो जाएगा ऊपर, तो देख बेटू कितना स्मार्ट कितना गोरा दिख रहा है, देख तो सही ऊपर गोरा होगा तेरा फेस यूज करो। अल्लाह अम्मी कब हुआ ये, मेरा फेस वॉश यूज कर रहेगा। अल्लाह अम्मी इसी तभी तो बोलू फेस वॉश खत्म कैसे हो रहा है, यूज करने लगा है ना, बोल भी रहा है मैं सुबह शाम दोनों टाइम यूज करता हूँ। तो ये अंकल ने बोले ऐसे डब्बे में भर के रखने के लिए, क्यों भर के नहीं, मेरा दोस्त बोला कि खुला मत रखना मुंगी हो जाएगी, तो इसलिए एक डब्बे में भर के रख देंगे, उसको जब भी देना रहेगा उसकी वहाँ पे कैसी प्लेट रखे हमने उसको जब देना रहेगा थोड़ा सा डाल के देगा, कहीं खुशबू से मैडम उठ ना जाए, तो कैसे सो रही है, और एक ये यहाँ सो रहा है और एक अंदर सो रहा है ये यहाँ सो रहा है, ये तो मेरा बेटा है, ये स्कूबी मेरे को लगा के सुला दे, क्या मिलता है 1 महीने के बच्चे लोग का, छोटे बच्चों का भी मिलता है बोले, अगर दूध नहीं बना रहेगा तो लोगों कैट फूड भी ग्रेवी रहती है ना वो रहता है इन लोगों का। हाँ अभी तो के बच्चे लोग का देखते हैं, चल इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उसको भी भर के रख दे, तो थोड़ा थोड़ा ये और दूध खिला दिया करेगा है ना, हमें उठना जाए मेरे को लग रहा खुशबू से ना उठ जाए, क्योंकि हम लोग उसको झींगा खिलाते ना झींगा भी खाती है। यस और गाइज इन लोगों को बिल्लियों को अभी तो फिलहाल हम कैट फूड ही खिलाएंगे, और क्या चीज़ें होती है हम लोगों को इतना आइडिया नहीं, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम बिल्ली पाल रहे हैं, तो फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी तरफ से उन लोगों को कोई तकलीफ ना हो। बहुत मुश्किल है गाइज बिल्ली पालना या कोई भी जानवर पालना, बच्चों की तरह उन लोगों का ध्यान रखना पड़ता है, तो हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, और कुछ चीज़ें और होगी जो हमें नहीं पता है तो मुझे कॉमेंट करके बताना। तो यस यहाँ पे उसने डाल दिया, अभी आराम से कम चलेगा 4-5 दिन, हफ्ता भर चल जाएगा, साथ में इसको अपन ये भी दिया करेंगे और झींगा भी दिया करेंगे, झींगा भी अभी 20 रुपए का लाल, हाँ एक टाइम ये एक टाइम वो, हाँ एक टाइम कैट फूड देंगे एक टाइम झींगा, क्योंकि झींगा भी बहुत शौक से खाती है हमारी दीदी। हो गया ना, इसको बंद कर दे और वहाँ पे अम्मी को दे देना, अम्मी अंदर रख देगी उसको। और गाइस हमारा पानी वगैरह भी हो गया, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे फिर मिलते हैं आप लोगों से सीधा शाम में। ऐसे रख के पैक कर दे उसको ताकि मुंगी कुछ लगे। तो गाइस हमारी शाम हो गई और हमारा चाय नाश्ता भी हो गया,
और हम लोग बहुत टाइम से ना मतलब हमारी कैट्स के साथ खेलते बैठे थे, तो अभी जाकर उन लोग अभी थोड़ा फीडिंग कर रहे हैं तो सोए हैं और यहाँ पे आ गए आमी। ए गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? तो वेलकम हो गए सदा फैमिली ब्लॉग में। तो गाइस अभी क्या करो, शाम हो गई है और गर्मी तो इतनी हो रही आप लोगों को तो पता है ना, आप लोगों के पास भी वही हाल होगा गर्मी। गर्मी में सर्दी हो रही तुमको? हाँ, मेरी नाक दर्द ना सूसू होने लग गई है। पानी ज्यादा पी रहे ना, ठंडा और पानी पी रहे। यस, सोच रही क्या बनाऊँ, बनाने का टेंशन। सोचो समझो बताओ, बैठो आप बैठ के बताओ क्या बनाने का। क्या बना, बनाने का डिस्कशन चल रहा है, क्या बनाना है तो क्या बनाएगी सोच रही। क्योंकि खाना बना रहे तो बच्चे लोग ज्यादा खाना खा भी नहीं रहे गर्मी की वजह से, पानी पी पी के पेट भर जाता है। ऐसे ही खाना पड़ा रहा, थोड़ा ही बना रहे तब भी ऐसे ही पड़ा रहता है। एक डेढ़ गिलास चावल, एक गिलास चावल ही बना रहे फिर भी बच जा रहा उसमें से। वही तो, तभी सोच रही क्या बनाऊ। यस, यहाँ पे देखो सब महाराज मायरा का हाथ चल गया रे। हाथ तेरा कैसे है सर? उसकी अम्मी ना इस्त्री कर रही थी उसके चाचा के कपड़े की, तो उसको सोचना चाहिए ना जब इस्त्री गर्म होती है। हाँ। उसने इस्त्री पे हाथ रख दिया। अल्लाह वाह, क्या दिमाग है मायरा तेरे अंदर, क्या दिमाग वाली लड़की है। दिमागी की तरह है, बिना दिमाग की तो है ये सच में, क्या दिमाग वाली लड़की है भाई। तो अभी क्या बनाने का? अभी जा मैं सोच रही चार अंडे ले आ। अंडा अंडा और थोड़ा सा उसको ही मैं थोड़ा सा अदरक लहसुन है ना पड़ा हुआ, सालन बनाएगी, लुटपुटा सा सालन बना देती हूँ, थोड़ा सा चावल बना देती हूँ। ठीक है चलेगा। चलो गाइस, कल हमें थोड़ा सा बाहर भी जाना है कुछ काम से, लाइक सुबह में 12 बजे क्लासेस के काम से जाना है। तो मेरा क्लास एडमिशन के लिए क्लासेस, ट्यूशन के सर वाले सर से बात करने जाने का है कल सुबह। तो देखते हैं सुबह सुबह 12 बजे जाएगी हम। कब आएंगे? अरे यहाँ जाएंगे, यहाँ पे तो है बाजू में अपना बिल्डिंग, जहाँ पे वड़ा पाव लेने जाते थे ना। हाँ क्यों, तेरे को कुछ हम कर रहे हैं क्या? मैं आराम से आती हूँ, कोई काम करने जाना पड़ता, झाड़ू पोछा कर ले, हाँ कपड़ा धो लूंगा। तकलीफ है क्या तुझे हमारे रहने से? फोन कर मम्मी, मैंने तुम्हारा सब काम कर लिया, तुम आराम से आओ, दिलाएंगे। एक टॉर्चर, एक चड्डी और क्या चीज, दो टी शर्ट। जबरदस्ती शादी में आया क्या मेरी? मैं आगे काम नहीं कर लू क्या? देख रहे अच्छा, दो ट्राउजर दो टी शर्ट, ए चल कुछ नहीं मिलेगा। सो यस, हमें कल जाना है वहाँ पर, तो हम लोग जाएंगे, वो तो सुबह में जाने का है। हाँ, पूछ के आएंगे ना, मतलब कितना पैसा है उसका, क्या बात है, क्या बात है, कितने सब्जेक्ट्स लेते हैं, क्या है क्या नहीं, सब बात करेंगे। एडमिशन चालू हो गया अभी लोगों का ना, ट्यूशन वाले लोगों का, सब बात करके आ जाती हूँ। Yes. क्या है क्या नहीं सुबह में जाके, हाँ, है क्या नहीं। यस yes. तो चलो गाइज, मैं भी दुकान से अम्मी को थोड़ा जो भी सामान है उनको ला के देती हूँ। और मैं ना आईने में देखती हूँ ना व्लॉगिंग का, मतलब ऐसे ऐसे कैमरा करती हूँ, मेरा आधा ध्यान है ना आईने में ही रहता है ऐसे 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 करने की। मैं देखो, मेरे से ना थोड़ा कैमरा जैसे टेढ़ा हो जाता है, ये सब अब परफेक्ट हुआ है आईने में देख रही हूँ मैं। तो चलो अम्मी को थोड़ा बहुत सामान मैं ला कर दे देती हूँ। और गाइज मैं अभी भी बता रही हूँ, आप लोगों ने वही वायरल वाला शॉट देखे क्या नहीं, अब्बा का 4 लाख क्रॉस हो गया ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं बोली थी क्या सपोर्ट करते रहो गाइस, मजा आ गया। यस, 4 लाख वायरल हो गया वो, 4 लाख हो गया, और उससे माशाल्लाह हमारे सब्सक्राइबर तो ऐसे ग्रो हो गए, नो नजर थु 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 थु, नो नजर, और अच्छे से फटाफट हम आगे बढ़ जाए, है कि नहीं। यस, ये आए ना, ये हमारे तीनों नमूने हमारे घर की बरकत है ना, है कि नहीं अम्मी। हाँ, परेशान करते चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, बहुत सताते बहुत है गाइस, बट ठीक है अच्छे। काला वाला ना गोरी वाले को बहुत मारता, काला वाला गोरी वाली नहीं, इसको भी कोको को मारता है, ऐसा बोलो, काला वाला गोरा वाला बोल रहे, बहुत मारता है उसको। ये स्कूबी ना, ये ब्लैक वाला, ये वाला इसको ना इतना काटता है गाइस, इतना काटता है मैं क्या बताऊं, चिल्लाती डब्बे के निकालो निकाल के मुझे अंदर बाहर लगती, बहुत मस्ती करते बहुत। इसलिए माने पेड़ भर के खाना वाना खाई तो मस्त सोई है आज, उसको सोई कब से नींद मारे ना दोपहर से, वो ऐसे सोई जब से मस्त उसने खाना खाई ना, पेड़ भर के सुकून में सो रही है वो एकदम। दूध दूध पिला रहे थे ना उसका, आज हम लोग ने मंगाए उस दिन, चिकन विकन भी दे रहे थे तो कहाँ खा रही थी। और अम्मी ने लिए तुमने वो झींगा क्या लेने, जावला अभी अम्मी ने शाम में लिए आया था ना भैया, तो उन्होंने 20 रुपए का इतना सारा जवला लिया, बोले एक टाइम पे कैट फूड देंगे, एक टाइम पे इसको
झींगा देंगे। वो भी खाती, वो शौक से खाती है, दोनों भी खाती है। तो दूध भी पिएगी, और पिएगी तो अच्छे से रहेगी, तो दूध भी आएगा ना उसको, दूध भी पिलाएगी। यस, चलो गाइस क्या है, कहनी मम्मी को सामान दिखा के। तुमने देखी मेरी सनस्क्रीन जो मैंने मंगाई, क्योंकि मैं जब भी लाने गई थी ना तब अम्मी किचन पे काम कर रहे थे, देखे थे ना, हाँ मुझे लगा अम्मी ने नहीं देखी करके। तो चलो मैं अम्मी को क्या है क्या नहीं पकाने के लिए सामान लाकर दे देती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। देखो गाइस कैसा एक दूसरे को काट के, ये बहुत ज़्यादा इसको भी काटती है, मैं आप लोग को बता रही थी ना, देखो कैसा काट रहे हैं, देखो देखो उसको पकड़ती है, देखो 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 पकड़ ली उसको, बहुत ये ना बहुत नालायक हो गई है। अरे 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 स्कूबी स्कूबी कैसा काट रही है, कितना जोर जोर से काट रही है ना, है ना, कितना जोर से कभी मुंह पे काट रही है, कभी नाक पे काट रही है, और वहाँ पे अब्बा अपना ब्लॉग शूट कर रहे हैं, मेरा दूसरा वाला ब्लॉग शूट कर रहे हैं अब्बा। तो देखो अम्मी के साथ डंडे से खेल रहा है, यहाँ पे अम्मी इसको डंडा दिखा रहे हैं, डंडा दे रहे हैं, और देखो कैसा डंडे पे चढ़ रहा है, अम्मी डंडा खा रहा है ना, एकदम दांत फाड़ रहा है, तेरे को दांत है क्या, चूहे दांत है क्या तेरे को, देखो 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 कितना इसको बाहर निकाल दिया, क्योंकि इसको ना बहुत ज्यादा मार रहा था मेरी बच्ची को, ये बिल्ला बहुत ज्यादा ही करता है, बहुत उसको मारता है, देखो चढ़ रहा है चढ़ रहा है चढ़ रहा है चढ़ता है, अम्मी इसको वहाँ किचन के दर ना जाने नहीं दे रहे, इसमें ही गाइस हमारा सारा दिन चला जाता है लोग से मस्ती करने में, और बहुत अच्छा लगता है लोग के साथ खेलने के लिए, मतलब बहुत पीस ऐसे लगता है, खेलो मस्ती करो, इन लोग को देख देख के खिला खिला के ना सारा दिन निकल जाता है, और माशाल्लाह हम लोग को बहुत अच्छा भी लगता है, एकदम सुकून फील होता है लोग को देख के। और मेरे इंस्टाग्राम पे ना मैंने 2-3 कैट्स लोगों की लाइक रील की ना, तो मेरे इंस्टाग्राम पे ना सिर्फ कैट्स लोगों का ही आ रहा है, कभी किसी की डेथ हो रहा आ रहा है, या कभी किसी का कुछ आ रहा है, तो मैं कैसे देख देख के इतना इमोशनल हो रहा था ना, देखो अम्मी के साथ खेल रहा है, अम्मी के साथ खेल रहा है स्कूबी, अम्मी के साथ खेल रहा है मेरा स्कूबी, माशाल्लाह मेरा बेटा बड़ा होते जा रहा है, माशाल्लाह गाइस ये लोग ग्रो, अभी लोग ना 12 तारीख को 1 मंथ के हो जाएंगे पूरा, तब हम इन लोग को नहलाएंगे। मेरे पीछे जा रहा है, मेरे पीछे जा रहा है शड़ेला, मेरे पीछे जा रहा है शड़ेला। तो गाइस हम बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए, यहाँ पे है दाल, यहाँ पे है चावल, और यहाँ पे अंडे का सालन हमने एकदम थोड़ा सा लुटपुटा जैसा बनाया, और ये दोपहर की भाजी, और ये रहा अचार। तो चले गाइस खाना खाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना हो गया, खाना तो हमारा रात में ही हो चुका था, एक्चुअली मैंने व्लॉग एंड नहीं की, क्योंकि ये स्कूबी और कोको इतना परेशान करके रखे थे ना हम लोगों को रात में, तो मैं व्लॉग एंड करने ही भूल गई। सो आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो गाइस फटाफट जाओ और चैनल सब्सक्राइब करो, माशाल्लाह 14K हो चुके हैं कंप्लीट, मैंने यही व्लॉग के स्टार्टिंग में बोली कि 13K कल तक 14 हो जाएगी, तो यस आज सुबह की मॉर्निंग में 14K भी कंप्लीट हो गया, ये मैं अगले दिन सुबह में व्लॉग एंड कर रही हूँ इस वजह से। सो गाइस आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और बस ऐसे ही प्यार सपोर्ट अपना बनाए रखो, अभी तो और ज़रूरत है आप लोगों के प्यार की। सो चलिए इसी के साथ व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे वापस एक नए वीडियो के साथ, बाय बाय, लव यू ऑल। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, I won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now.